हेलो फ्रेंड, जी एस टेक्निकल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बालेंद्र सिंह। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई सा भी विंडो इंस्टॉल करते हो, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, चाहे वो विंडोज़ 8 हो, चाहे वो विंडोज़ 10 हो। तो दोस्तों, लगभग तो लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ड्राइवर वो ले लेता है, अपना लैपटॉप खुद ऑटोमेटिक ही कुछ ड्राइवर ले लेता है। पर कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं कि जिसमें लैपटॉप या डेस्कटॉप लेता नहीं है, हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छे सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले दोस्तों, जो भी जिसमें भी आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे, इसमें आपका नेट होना ज़रूरी है। उसके बाद आप गूगल में जाके दोस्तों, आपको सर्च करना है ड्राइवर पैक सोल्यूशन। ड्राइवर पैक सोल्यूशन ये दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद जो भी विंडो खुलेगी उसके बाद आप इसको क्लिक कर देंगे और ये इंस्टॉल ऑल रिकॉर्डेड ड्राइवर का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये छोटा सा रहेगा दोस्तों, ये है करीब 7 से 8 MB का, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ये दोस्तों जैसे डाउनलोड हो रहा है, इसमें आपको आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो भी ड्राइवर होंगे, सारे जो मिसिंग ड्राइवर होंगे, सारे ऑटोमेटिक दोस्तों ये ले लेगा। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया, इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों, इस सेटअप को आपको ओपन कर देना है और यस कर देना है। और दोस्तों, क्या होता है कि अपने कुछ ड्राइवर जो अपडेट मांगते हैं, अपडेट नहीं हो पाते हैं, तो उसमें ये अपडेट भी ले लेगा। ओके टू स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ये सारी आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर आपके नेट की स्पीड काफी फास्ट है तो जल्दी जल्दी इंस्टॉल्ड होगा। ये दोस्तों यहाँ से ये इंस्टॉलेशन इसका शुरू हो गया है। अब ये दोस्तों करीब जितने भी ड्राइवर होगा, सारे वो ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा और ये प्रोसेस यहाँ से 100% तक चलेगा। तो उसके बाद जो भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के जो भी ड्राइवर मिसिंग होंगे, तो वो सारे ड्राइवर ऑटोमेटिक ले लेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैंने बताया है कि अगर आपका कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसमें अगर आपका कोई सा ड्राइवर मिसिंग है, तो आप ड्राइवर पैक सोल्यूशन की मदद से ये ड्राइवर ऑटोमेटिक इसमें इसका आप सेटअप चलाएंगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।